ये कहानी है मेरी और मेरे दोस्त सोनू के बारे में। हमारे शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली उस वक्त की थी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। गांव वालों का कहना है कि इस हवेली में एक अमीर चंद नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी मिलकत थी, लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा पैसा भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि पराए तो पराए अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह उसके ही घर के कुछ लोगों ने पैसों की लालच में आके उस अमीर चंद को मौत के घाट उतार दिया और सारी जायदाद और मिलकत लेके वो परदेश में चले गए और उस हवेली को भी उन्होंने बेच दिया। लेकिन कहते हैं, जिसकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिलती तो वो आत्मा भटकती रहती है। बहुत से लोग वहाँ रहने जाने से या उस हवेली को खरीदने से डरते थे। तो इसी तरह 20 साल से ज़्यादा उस हवेली को हो गए थे, तो मैं और मेरा दोस्त बातों ही बातों में हमने बोला कि चलो हम जाके उस हवेली में देखते हैं क्या वाकई में ये सच है या नहीं। तो मेरे दोस्त ने बोला कि हाँ चलो चलते हैं। तो हमने एक दिन दोपहर को उस हवेली में जाने का प्लान बनाया। मैं और मेरा दोस्त अपनी बाइक लेके हवेली के पास गए, लेकिन हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था और एक वार्निंग भी लिखी हुई थी कि इस हवेली में शैतान रहता है, अगर आप जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने उस वार्निंग को अनसुना कर दिया और हमने उस डोर को जैसे तैसे करके खोल दिया। जैसे ही हमने डोर खोला, दो बिल्लियां झगड़ा करते हुए हमारे पैरों के आगे से भागी। और हम अचानक से ऐसा देख के डर गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो गए और थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आया। और ऐसे ही हम दूसरी मंजिल पे गए और जैसे ही हम ऊपर गए तो वहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। ये देख के हमें डर भी लगा और अचानक हमारी नज़र एक मरी हुई बिल्ली पे गई। वहाँ पे बिल्ली को किसी ने मार दिया था, तो शायद उसी का ही खून था। और फिर हम तीसरी मंजिल पे गए, लेकिन ऊपर जाने से पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ कितना खतरनाक हादसा होने वाला है। जैसे ही हम ऊपर गए, चारों तरफ देखा, हमें कुछ नज़र नहीं आया और मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से बात ही करने वाले थे कि अचानक एक बहुत सी डरावनी आवाज़ आई। वो आवाज़ शायद शैतान की थी और उसने बोला, तुम मुझे ढूंढने आए हो लेकिन तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ये आवाज़ सुन के मानो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो और हम बहुत डर गए थे। लेकिन हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो? तो फिर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारी मौत हूँ। हम दोनों पूरी तरह डर के मारे टूट गए थे और हम जैसे ही भागने लगे कि एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई। तो आवाज़ इतनी भयानक थी कि हम अब पूरी तरह डर गए थे। और अचानक से ऐसा लगा कि मेरे और मेरे दोस्त के हाथ पर किसी ने कस के पकड़ लिए है। हम हिल भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई थी हमारी।
उस दो आवाज ने हमें इतना डरा दिया था कि हम अंदर ही अंदर कांपने लगे थे। और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, पहला पार्ट यहीं तक का है। अगला पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा।